देखिएगा आज के इस ट्यूटोरियल में सुंदर सा जो है मल्टी कलर का प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये जो है हमारा ग्राफ डिज़ाइन है। यहाँ पे ये डिज़ाइन आप जो है अपने बेस पे बॉर्डर लाइन में बना सकते हैं या नेक लाइन में बना सकते हैं या इस तरीके से मल्टी कलर की वूल का इस्तेमाल करके आप अपना प्रोजेक्ट बना के तैयार कर सकते हैं। तो आगे वीडियो में स्टेप बाई स्टेप बताया किस तरीके से ये पैटर्न बना के तैयार करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिएगा हमारा पैटर्न जो है मेन 22 स्टिचेस में बनके तैयार होता है। मल्टी कलर की वूल का यूज़ किया है। आप चाहें तो दो ही कलर का इस्तेमाल करके भी इस पैटर्न को बना सकते हैं। डिज़ाइन की रो फर्स्ट है हमारी, तो रो फर्स्ट राइट साइड है हमारी। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी अपने इस तरीके से हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 स्टिचेस हमने बेस कलर जो भी आपने लिया होगा उससे बना लेने हैं। सेकंड कलर की वूल लेंगे कंट्रास्ट में और उससे एक स्टिच बना लेंगे। बाकी के हमारे जितने भी बचे हुए स्टिचेस हैं वो हमारे बेस कलर से जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सैंपल बना के बता रही हूँ। इसी तरीके से आपने क्या करना है, 22 के मल्टीपल में अपने जो है प्रोजेक्ट में स्टिचेस को एडजस्ट कर लेना है। गैप कोई भी नहीं आएगा। आपने एक आपका पैटर्न कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट को स्टार्ट करना है। तो रो फर्स्ट हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है, रॉन्ग साइड में जाएंगे। रो सेकेंड है हमारी जिसमें फर्स्ट स्टिच को उतार दिया है हमने, फिर नेक्स्ट यानी कि 1, 2 और 3 स्टिचेस हमने अपने बेस कलर से बना लिए हैं। फिर सेकंड कलर ले लेंगे अपना, इससे 1, 2, 3, 4 स्टिचेस हम अपने बना लेंगे। इसके बाद बेस कलर ले लेंगे, वापस से रिपीट करेंगे, इससे 1, 2, 3, 4 और 5 स्टिचेस बना लेंगे। इसके बाद सेकंड कलर से हम अपने यहाँ पे 2 स्टिचेस बना लेंगे और बाकी के जितने बचे हुए स्टिचेस हैं उन्हें हम अपने बेस कलर से यहाँ पे उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर देंगे अपनी रो सेकंड को। थर्ड रो हमारी राइट साइड है, तो आप देखिएगा इसमें क्या करेंगे। इसमें स्टार्टिंग से ही हमारा फर्स्ट स्टिच जो है सेकंड कलर से जाएगा। सेकंड वाला भी ये 2 हो गए, 3, 4 और 5 स्टिचेस हमारे यहाँ पे इस तरीके से सेकंड कलर से गए हैं। इसके बाद बेस कलर से हम अपने 1, 2 और 3 स्टिचेस बनाएंगे। फिर सेकंड कलर से हमारे यहाँ पे 1, 2 और 3 स्टिचेस जाएंगे। इसके बाद अपना बेस कलर ले लेंगे, इससे 1, 2 और 3 स्टिचेस बनाएंगे। फिर हमारे सेकंड कलर से यहाँ पे हम 1, 2, 3 धागा अपना साथ में लेंगे, 4, 5 और 6 स्टिचेस जो हैं हमारे बेस कलर से यहाँ पे सेकंड कलर से जाएंगे। इसके बाद हमारे 2 स्टिचेस बेस कलर से जाएंगे और रो थर्ड हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। इस तरीके से हमारी रो थर्ड भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। रो फोर्थ में जाएंगे जो कि रॉन्ग साइड है हमारी। इसमें अपना पहला फंदा और दूसरा फंदा बेस कलर से बनाएंगे। फिर यहाँ पे 1 और 2 स्टिचेस हमारे सेकंड कलर से बनाएंगे। फिर दोबारा से 2 स्टिचेस हमारे यहाँ पे 2 स्टिचेस हमारे बेस कलर से गए। इसके बाद 3 स्टिचेस हमारे सेकंड कलर से जाएंगे, 1, 2 और 3। फिर यहाँ पे 2 स्टिचेस हमारे बेस कलर से जाएंगे, 1, 2। फिर 2 स्टिचेस हमारे सेकंड कलर से, 1, 2। फिर 3 स्टिचेस हमारे बेस कलर से, 1, 2 और 3। इसके बाद हमारे यहाँ पे 1, 2, 3, 4
और 5 स्टिचेस सेकंड कलर से और लास्ट में 1 स्टिच हमारा बेस कलर से जाएगा। तो यहाँ पे हमारी 4th रो रॉन्ग साइड से कंप्लीट होती है। अब 5th रो हमारी यहाँ पे राइट साइड से है, जिसमें 2 कलर हमारे बेस कलर से जाएंगे। इसके बाद हमारे 1, 2, 3, 4 और 5 जो है सेकंड कलर से जाएंगे। इसके बाद हमारे यहाँ पे बेस कलर से 1, 2 और 3 स्टिचेस जाएंगे। सेकंड कलर से हमारा 1 स्टिच जाएगा, फिर बेस कलर से 1, 2 स्टिचेस जाएंगे। इसके बाद 2 स्टिचेस हमारे वाइट कलर से 1, 2, फिर 4 स्टिचेस हमारे बेस कलर से 1, 2, 3, 4, फिर हमारा 1 स्टिच सेकंड कलर से जाएगा। और यहाँ पे इसके बाद हमारे जो है 2 स्टिचेस अपने बेस कलर से जाएंगे। तो रो 5th भी हमारी कंप्लीट होती है यहाँ पे। इसके बाद हम अपनी रो जो है इस तरीके से रॉन्ग साइड रो 6th में जाएंगे। तो इसमें 1st 2 स्टिचेस हमारे बेस कलर से ही जाएंगे, फिर सेकंड कलर से 1 स्टिच जाएगा। इसके बाद हमारे जो हैं एक और 2 स्टिचेस बेस कलर से जाएंगे, फिर 1 स्टिच हमारा सेकंड कलर से जाएगा, फिर 1 स्टिच बेस कलर से जाएगा, फिर 2 स्टिच हमारे सेकंड कलर से जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाला हमारा 1 स्टिच बेस कलर से जाएगा, फिर यहाँ पे 1 स्टिच हम अपना सेकंड कलर से बनाएंगे। इसके बाद 3 स्टिचेस 1, 2, 3 बेस कलर से, फिर 1 स्टिच हमारा सेकंड कलर से। इसके बाद बाकी के जितने बचे हुए स्टिचेस हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 जो है हमारे यहाँ पे अपने बेस कलर से जाएंगे। रो 7 राइट साइड में आएंगे, 1st स्टिच हमारा बेस कलर से ही जाएगा। इसके बाद हमारा यहाँ पे 1 स्टिच जो है इस तरीके से सेकंड कलर से जाएगा, फिर 2 स्टिचेस हमारे यहाँ पे बेस कलर से जाएंगे। इसके बाद हमारा सेकंड कलर है इससे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 स्टिचेस जाएंगे, फिर 1 स्टिच हमारा बेस कलर से, फिर 2 स्टिचेस हमारे सेकंड कलर से, फिर 2 स्टिचेस हमारे बेस कलर से। इसके बाद 2 स्टिचेस जो हैं सेकंड कलर से, फिर 3 स्टिचेस हमारे जो है यहाँ पे अपने बेस कलर से जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ हमारा प्रोजेक्ट जो है यहाँ तक अभी कंप्लीट हुआ है। अब हम यहाँ पे अपना जो है बेस का कलर चेंज करेंगे। आप देखिएगा अब रॉन्ग साइड रो 8 पे आ चुके हैं, इसमें हमने अपना बेस कलर चेंज कर लेना है। आप चाहें तो सेम ही कलर से आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मैं जो प्रोजेक्ट आपको बता रही हूँ उसमें हमने जो है अपनी 8th रो में अपना जो है कलर बेस का चेंज किया हुआ है। तो आप यहाँ पे कोई सा भी ले सकते हैं अपने कंट्रास्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, बेस कलर चेंज कर रही हूँ, बाकी पैटर्न आगे सेम हम अपने वाइट कलर से ही बनाएंगे। तो यहाँ पे बेस कलर लिया और बेस कलर से हमने चेंज किए, 8th रो है हमारी, इसमें पहले हमारे 6 फंदे बेस कलर से जाएंगे, 3, 4, 5 और ये हमारे 6 फंदे इस तरीके से बेस कलर से बना लिए हमने। इसके बाद हम अपना सेकंड कलर लेंगे जिससे हम पैटर्न बना रहे हैं, जो कि हमारा वाइट कलर है,
और इससे हमने क्या करना है, दो फंदे इस तरीके से उल्टे बना लेने हैं। फिर दोबारा से अपना बेस कलर ले लेंगे और इस बेस कलर से हम यहाँ पे अब एक फंदा जो है अपना इस तरीके से उल्टा बना लेंगे। इसके बाद हम अपने दो फंदे यहाँ पे इस तरीके से जो है वाइट कलर से बना लेंगे। फिर दोबारा से बेस कलर लेंगे और इससे एक दो तीन चार पाँच और छः फंदे बना लेंगे। फिर सेकंड कलर लेंगे, इससे दो फंदे बनाएंगे, फिर एक फंदा बेस कलर से बनाएंगे और दो फंदे हम अपने सेकंड कलर से बनाएंगे। अब हमारी यहाँ पे रो जो है नाइन्थ आ चुकी है राइट साइड से, तो इसमें एक फंदा हम पहले वाला सेकंड कलर से बनाएंगे, फिर उसके बाद बेस कलर से एक फंदा बनाएंगे, दो फंदे हम अपने सेकंड कलर से बनाएंगे, दो फंदे हम अपने बेस कलर से बनाएंगे, फिर दो फंदे हम सेकंड कलर से बनाएंगे, फिर चार फंदे हम अपने बेस कलर से बनाएंगे, फिर एक फंदा हम अपना सेकंड कलर से बनाएंगे, फिर यहाँ पे दो फंदे हम अपने बेस कलर से बनाएंगे। इसके बाद एक दो तीन चार पाँच छः और सात फंदे हमने अपने सेकंड कलर से बना लेने हैं। अब हमारी रो यहाँ पे टेंथ आ चुकी है रॉन्ग साइड से, तो इसमें फर्स्ट स्टिच हमारा सेकंड कलर से ही जाएगा, फिर बेस कलर से हमारे टू स्टिचेस जाएंगे, फिर एक स्टिच हमारा सेकंड कलर से जाएगा, इसके बाद बेस कलर से हमारे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन स्टिचेस जाएंगे, फिर यहाँ पे हमारा वन स्टिच जो है सेकंड कलर से जाएगा, फिर टू स्टिचेस बेस कलर से जाएंगे, फिर वन स्टिच हमारा यहाँ पे सेकंड कलर से, वन स्टिच जो है हमारा यहाँ पे इस तरीके से बेस कलर से, फिर टू स्टिचेस हमारे यहाँ पे सेकंड कलर से, फिर वन स्टिच बेस कलर से और वन जो है हमारा सेकंड कलर से जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी रो टेंथ भी कंप्लीट होती है। रो अलेवेंथ में जाएंगे, इसमें हमने फर्स्ट स्टिच अपना जो है यहाँ पे इस तरीके से इसे बेस कलर से बना लेना है। नेक्स्ट सेकंड स्टिच भी हम बेस कलर से बनाएंगे, फिर यहाँ पे सेकंड कलर लेंगे और इससे दो स्टिच बना लेंगे, फिर बेस कलर लेंगे इससे वन टू थ्री और फोर स्टिच बनाएंगे, फिर यहाँ पे वन स्टिच जो है हमारा इस तरीके से सेकंड कलर से जाएगा, फिर वन टू थ्री फोर स्टिच हमारे इस तरीके से बेस कलर से जाएंगे, फिर टू वन टू थ्री फोर फाइव स्टिचेस हमारे सेकंड कलर से जाएंगे, फिर यहाँ पे बेस कलर से हमारे वन टू थ्री फोर स्टिचेस जाएंगे और एक स्टिच हमारा जो है सेकंड कलर से जाएगा। तो यहाँ पे रो 11 कंप्लीट होती है। रो 12 पे जाएंगे, तो इसमें अब हमारे सेकंड कलर से पहले दो स्टिचेस जाएंगे, फिर तीन स्टिचेस हमारे बेस कलर से,
वन टू थ्री, फिर हमारा सेकंड कलर जो है यहाँ पे इससे वन टू थ्री फोर फाइव स्टिचेस जाएंगे, फिर थ्री स्टिचेस बेस कलर से वन टू थ्री, फिर टू स्टिचेस सेकंड कलर से वन टू, फिर टू स्टिचेस बेस कलर से वन टू, फिर थ्री स्टिचेस सेकंड कलर से वन टू थ्री, फिर यहाँ पे हमारे थ्री स्टिचेस जो हैं वो बेस कलर से जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे रो 12 कंप्लीट होती है। रो 13 में जाएंगे राइट साइड, इसमें हमारे पहले तीन स्टिचेस जो हैं बेस कलर से ही जाएंगे। इसके बाद हमारे नेक्स्ट स्टिच जो है यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स स्टिचेस सेकंड कलर से जाएंगे, फिर टू स्टिचेस हमारे यहाँ पे बेस कलर से जाएंगे, फिर नेक्स्ट हमारे वन टू थ्री फोर और फाइव स्टिचेस सेकंड कलर से जाएंगे, फिर थ्री स्टिचेस हमारे बेस कलर से जाएंगे। इसके बाद हमारे वन टू, बाकी जितने भी बचे हुए स्टिचेस हैं वो हमारे इस तरीके से सेकंड कलर से जाएंगे। इसके बाद हम अपनी रो जो है यहाँ पे रो हमारी 14th है डिज़ाइन की, तो इसमें फर्स्ट स्टिच हमारा जो है यहाँ पे बेस कलर से जाएगा, फिर टू स्टिचेस हमारे यहाँ पे सेकंड कलर से जाएंगे, फिर ग्यारह स्टिच जो है हमारे बेस कलर से जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन। इसके बाद हमारे फोर स्टिचेस अपने सेकंड कलर से वन टू थ्री और फोर, फिर यहाँ पे फोर स्टिचेस हमारे अपने बेस कलर से जाएंगे। तो अब लास्ट रो है हमारी रो 15, तो देखिएगा इसमें क्या करना है। हमारे बेस कलर से यहाँ पे हमारे 13 वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन स्टिचेस जाएंगे, फिर एक स्टिच हमारा सेकंड कलर से और फिर दो स्टिचेस हमारे बेस कलर से जाएंगे। तो रो 16 रॉन्ग साइड से भी हम अगर बनाएं तो हमने सारी किससे बनानी है, यहाँ पे अपनी बेस कलर से बना लेनी है। तो रो 16 में हम क्या करेंगे, अपनी सारी रो हम बेस कलर से बना के इसे कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा पैटर्न जो है यहाँ पे 16 रोज़ में बन के तैयार हो चुका है। इस तरीके से जो है इसका लुक आया है, आप देख सकते हैं, ये देखिएगा कुछ इस तरीके से लुक आया है। जब आप बार बार इसे रिपीट करते हुए जाएंगे तो सामने देखिएगा इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक कर लीजिए, साथ ही अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।